शिक्षा, हमने आपसे कहा कि शिक्षा का काम है एजुकेशन, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और भारत तो शिक्षा का ऐसा उच्च स्तर का केंद्र, भारत, भारत मतलब ज्ञान सर, भारत का मतलब ज्ञान, और एजुकेशन, ई इज इक्वल टू ई, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। हिंदुस्तान एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहां के 90% मां बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं नौकर बनाने के लिए। सर बुरा मत मानिएगा, सर सर बुरा बिल्कुल मत मानिएगा। हिंदुस्तान एकमात्र देश है दुनिया का जहां के मां बाप 90% अपने बच्चों को शिक्षा का मूल कारक बताते हैं कि बेटा पढ़ोगे तभी नौकरी लगेगी। और नौकरी भी क्यों कहते हैं, नौकरी लगेगी तभी अच्छी शादी होगी। इस देश में एजुकेशन प्लस नौकरी प्लस शादी, इसके बाहर सर कोई भी विश्व अगर सुपरस्टार बनता है, विश्व गुरु बनता है, तो अपने नागरिकों की वजह से बनता है। बिना नागरिकों के, बिना समाज के वो राष्ट्र कुछ भी नहीं है। और जिस राष्ट्र में, साउथ में, इंडिया में एक अलग रेस है, नौकरी नहीं लगी तो अमेरिका चले जाओ, नौकरी नहीं लगी। मैं हैदराबाद में था, क्लास ले रहा था, तो दो स्टूडेंट मुझसे मिलने आए, बोले सर इस साल तैयारी करेंगे और अगर नहीं होगा तो अमेरिका चले जाएंगे। क्यों, ब्रिटेन से दोस्ती है? नहीं नहीं सर, ऐसे ही वहीं अपना कुछ कर लेंगे सर, अमेरिका चले जाएंगे। पंजाब जाओ, सर नौकरी नहीं लगेगी तो कनाडा चले जाएंगे। गुजराती यूरोप चला जाएगा। सर और जीवन में कुछ नहीं है? शिक्षा का काम था मन को जिंदा करना, उसने किया नहीं। मैकाले ने ये जो हमारी शिक्षा थी एनलाइटनमेंट की, दिमाग को जिंदा, जिंदा दिमाग का व्यक्ति जो भी करेगा श्रेष्ठतम करेगा, अच्छा करेगा। बहुत से लड़के मुझसे आके कहते हैं, आई हमें पूछता हूं आईएएस क्यों बनना चाहते हो? सर मेरे पापा का सपना है। तुम्हारा क्या सपना है? अरे सर अब पापा का सपना पूरा करेंगे। वैसे तो आईएएस की तैयारी इस व्यक्ति के, इस देश के हर व्यक्ति को करनी चाहिए। आईएएस बने ना बने वो एक अलग बात, लेकिन हर युवा को इस देश में एक बार सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए। मजा आ जाएगा जीवन में सर, उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा, उसका देखने का नजरिया बदल जाएगा। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या है, पॉलिटी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, किसी चीज को किस नजरिए से, सब पता चलेगा सबसे। मंजू सिंह दिलेर है हमारी स्टूडेंट है, अभी वो शायद किसी सरकारी पद पर भी हैं, उनके पिताजी सांसद हैं हाथरस से, श्री राजवीर सिंह दिलेर जी। उन्होंने आईएएस की तैयारी की, हस्बैंड उनके डॉक्टर हैं और दोनों पति पत्नी एक बहुत ही उच्च दर्जे के इंटेलेक्चुअल हैं। आईएएस की तैयारी की, हिस्ट्री ऑप्शन रखा, फिर हमसे कहा कि सर अब एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे सर। हमने कहा तो अटेम्प्ट दे दो, बोले सर जो सीखने आए थे वो सीख ली। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। कैसे जिंदा करती है वो, जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो मनन करना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं अध्ययन मनन। आज का जो हमारा युवा है वो मनन करने को तैयार नहीं है, इसलिए वो रटने पे ज्यादा बल देता है। उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, सोच ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो डिसअपॉइंट हो जाता है, इसीलिए वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और ये कहानी कहां से शुरू हुई, मैकाले से। मैंने आपसे कहा ना मैकाले, मैकाले को इस देश में बाबू और चपरासी पैदा करना था। 1835 मैकाले डिक्लेरेशन, मैकाले की घोषणा, और यहीं से एक
दौड़ पैदा हुई सरकारी नौकरी, जो पढ़ेगा उसकी सरकारी नौकरी लगेगी। ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लेकिन सर भले ही सरकारी नौकरी का दौड़ का युग था ये, लेकिन शिक्षा का स्तर अच्छा था। ब्रिटिश काल में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था, जिसका मैंने आपको शायद एक दिन उदाहरण दिया। मेरे पिताजी, सर इंग्लिश इतनी प्यारी, बहुत डिसेंट इंग्लिश, ग्रामेटिकल स्ट्रॉन्ग, वोकैबुलरी, सब्जेक्ट पे कमांड, आज तक शिक्षा का स्तर अच्छा था। शिक्षा की दिशा बदल दी अंग्रेजों ने कि तुम नौकरी करो, उससे ज्यादा तुम कुछ मत सोचो, तुम नौकरी करो। क्योंकि जहां दिमाग जिंदा होगा वहां गुलामी संभव नहीं है सर। यह एक जिंदा दिमाग की सबसे खास बात है सर।